आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिवस 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हुए औषधीय पौधों का वितरण किया गया। सभी अतिथियों ने भारत माता आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण के तेल चित्र पर तिलक कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही पतंजलि चिकित्सालय निहारिका द्वारा 5,000 से अधिक जड़ी बूटी औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। मुख्य अतिथि संजय कुर्मवंशी ने औषधीय पौधों की उपयोगिता बताते हुए गिलोय, नीम, तुलसी, एलोवेरा, आंवले को धरती के 5 अमृत बताते हुए कहा कि इनका दैनिक जीवन में नित्य उपयोग करने वाले व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं होते हैं। साथ ही उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को इनके नित्य उपयोग करने की सलाह भी दी। पौधों का वितरण हमारे द्वारा किया जा रहा है, न केवल उसका वितरण किया जा रहा है बल्कि उसके प्रयोज्य अंगों के बारे में, प्रयोज्य विधि के बारे में भी हमारे यहाँ उसको जानकारी दी जा रही है, बताया जा रहा है कि किस तरह से उसका सेवन कर वे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और बिना और दूसरी दवाइयों के इन जड़ी बूटियों के सेवन से ही वे स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष की इस वर्ष भी हमारे द्वारा किया गया।